हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, हाँ स्वाति, रास्ते में ही है, एक आध घंटे में पहुंच जाऊंगा। तुमने खाना खा लिया? अच्छा ठीक है, साथ में डिनर करेंगे। ओके ओके बाय। रेडियो वाली भी ना, गाने कम और मुफ्त की सलाहें ज्यादा देता है। से मारा इस लड़की को, पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे बांध के रखा गया था इसे। सर बड़े बड़े मुजरिम देखे, बड़े बड़े खूनी देखे, लेकिन ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करने के बाद लाश को स्केक्रो बना देता। दिमाग खराब है इस खूनी का। क्या हुआ, क्या था आपको, क्या देखा था आपने यहाँ पे? सर मैं रात को जब आ रहा था तो मुझे झपकी लग गई, गाड़ी आपे से बाहर हो गई और इस खेत में आके स्केयरक्रो से जा टकराई। मैंने देखा कि ये स्केयरक्रो नहीं, लड़की की लाश है। तुरंत ही मैंने सर आपको कॉल कर दिया। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोगों के खेत है यहाँ पे, और आपको पता नहीं चला किसी ने यहाँ पे लड़की की लाश गाड़ दी है? सर आप हैं? ये देखिए सर, पैरों के निशान, शायद खूनी के होंगे। देखा, ये दायां पैर, ये निशान कुछ गहरे हैं और बाएं पैर वाले निशान हल्के, मतलब समझे फेड़ी? बिल्कुल सर, इसका मतलब खूनी दाएं पैर पे जोर देके चल रहा था। करेक्ट, या तो वो दंगड़ा के चल रहा होगा या फिर उसके पैर में चोट लगी होगी। क्या बात है श्रेया, तुम कुछ खोई खोई लग रही हो तुम। सर शायद मुझे पता है खूनी कौन है। क्या, खूनी के बारे में पता है, कैसे? सर 12 साल पहले की बात है, मैं अपनी सहेली कीर्ति के घर खेलने गई थी। खेलते खेलते इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला, तो कीर्ति की मम्मी ने मुझे उनके घर रुक जाने के लिए कहा। उस रात कीर्ति, कीर्ति कहाँ चली गई? और सर फिर वो स्केयरक्रो किलर मेरी दोस्त को लेकर वहां से चला गया। सर वो एक सीरियल किलर था, न जाने कितनी लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया था। मुझे लगता है 12 साल बाद वो वापस आ गया। 12 साल पुराना सीरियल किलर, मैंने भी इसके बारे में कुछ कुछ सुना है। अरे बस, आप लोग कब आए? सालों के साहब, आप काम में इतने बिजी थे तो। हाँ यार, इस लाश से बात कर रहा था मैं। क्या बताया? बहुत कुछ बताया बस। इनफैक्ट इसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरा दिल कांप गया। दर्द भरी कहानी? हाँ सचिन, बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। इतनी दर्दनाक मौत हुई है इस बेचारी की कि इसका शरीर चेक करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर इनकी उम्र क्या होगी? उम्र लगभग 30 साल। बॉस इसकी मौत 4-5 दिन पहले हुई है। 4-5 दिन पहले मौत हुई है इसकी? तो तू बता सकता है किस वजह से मौत हुई है? ये देखो, चाकू से किए गए बुरी तरह से वार, और बॉस ऐसे वार इस लड़की के पूरे शरीर पर किए गए, इतने ज्यादा कि इस लड़की के बेचारी के 70% नसें कट चुकी है। सर ये खूनी तो पागल लगता है बिल्कुल, एक साइको, इतनी बेरहमी से मारा इसे? ये तो कुछ भी नहीं है पंकज, चाकू से हमला करने से पहले खूनी ने इस पर स्टन गन का भी इस्तेमाल किया है। ये देखिए सर, स्टन गन से जलने के निशान। स्टन गन से जलाता है, चाकू के वार करता है, तड़पा तड़पा के मारता है लड़कियों को, और फिर स्केयरक्रो बनाकर, बिजुरा बनाकर खेत में खड़ा करता है। हाँ सर, खूनी के खून करने का मकसद लूटपाट या फिर दुश्मनी निकालना नहीं है सर, वो औरत से नफरत करता है या तो फिर इसे खून करने की बीमारी है, जैसे आमतौर पे सीरियल किलर्स को होती है। बिल्कुल सचिन,
यार और कुछ पता चलना चाहिए इस खूनी के बारे में सड़ू के, और कुछ पता चल जाएगा ना तो इस खूनी तक हम पहुंच सकते हैं। बस उस खूनी के बारे में तो फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इस लड़की के बारे में और बता सकता हूँ। तो फिर बता। हाँ, ये देख रहे हो, ये तो आंखें हैं सर। हाँ सचिन, और ये इस लड़की की आंखें, और ये देखो ये इस लड़की की आंखों पर ये स्टिचेस टांके। इस लड़की की आंखों पर स्टिचेस लगे थे? तो कहीं हाल ही में इसकी आंखों का ऑपरेशन तो नहीं हुआ था? हाँ बॉस, लगभग 10-11 महीने पहले इस लड़की का ऑपरेशन हुआ था। इसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ था, उससे पहले ये लड़की देख नहीं सकती थी। हमें इसके खून में से ईथन सैंडाइल नाम का केमिकल मिला है। ईथन सैंडाइल? इस केमिकल से क्या होता है सचिन? ये केमिकल एक किस्म का ड्रग होता है जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से इंसान को हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है जिसकी वजह से वो डर जाता है और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। ओह माय गॉड, ये इतना खतरनाक ड्रग है? खतरनाक तो बहुत है, और यही ड्रग हमें इसके खून में से इतनी ज्यादा मात्रा में मिली है कि मरने से पहले उसे इतनी तकलीफ हुई होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे यार ये ड्रग्स, ये केमिकल इस लड़की के खून में आया कैसे? मेरा मतलब है क्या इसे इंजेक्ट किया गया था या फिर खिलाया पिलाया गया था? सही, ड्रग हमें इसके फेफड़ों में से मिला है। लगता है खूनी ने इसे कुछ सुंघाया है या फिर किसी स्प्रे का इस्तेमाल किया होगा। स्प्रे का? हाँ, और बस इतना ही नहीं, इस लड़की के खून में हमें ऐसी दवाइयों के अंश भी मिले हैं जो अक्सर उन लोगों को दिए जाते हैं जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी? तो सारों के कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की कुछ इलाज करवा रही थी साइकेट्रिस्ट से अपने डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लिए? बिल्कुल। सचिन एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर पूछताछ करो, पता लगाओ इस लड़की के बारे में, पता लगाओ। प्लीज आइए सर। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता लग गया है सर, उस लड़की का नाम अदिति कुमार था सर, और सर ये तीनों भी उसी कंपनी में काम करती है जहां पे अदिति काम करती थी। इनका नाम सना है, ज्योति और ये नीता। तुम अदिति की एकदम करीबी दोस्त थी ना, तो तुम लोग जानती होगी क्या अदिति का किसी के साथ कोई झगड़ा था या किसी के साथ कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है क्या आप लोगों को किसी पर शक है जो ये कुछ कर सकता है? सर, अदिति मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी, अपना हर सुख दुख मुझसे बांटती थी। अगर उसका कोई दुश्मन होता तो मुझे जरूर बताती। अच्छा, आखिरी बार कब मिली थी तुम लोग उससे? 5 दिन पहले जब वो ऑफिस आई थी। मैं भी तभी मिली थी। और सना जी आप? सर, मुझे अदिति से मिले हुए 1 महीना हो गया। दरअसल मैं कंपनी के काम से 1 महीने के लिए जापान गई हुई थी, पिछले हफ्ते ही वापस आई हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि अदिति। देखिए संभालिए आपने आपको। सर, पिछले हफ्ते ही मेरी अदिति से फोन पे बात हुई थी, और उसकी किसी भी बात से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सचिन प्लीज आइए। सर आप प्लीज जरा यहाँ आइए। सर, आज से 12 साल पहले साल 2001 में जो स्केयरक्रो केस हुआ था वो मिल गया है। ये देखिए, अदिति का खून बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसे 12 साल पहले लड़कियों के खून हुए थे। पहले इथेन सैंडाइल नाम का ड्रग दिया गया, फिर उन्हें स्टन गन से जलाया गया, और फिर चाकू से वार करके नसें काट दी गई। सर, मगर इसमें तो लिखा हुआ है कि खूनी 28 दिसंबर 2001 को पकड़ा गया था, उसका नाम नितिन है और वो अभी जेल में है, तो फिर ये खून कर कौन रहा है? ये खून कोई और ही कर रहा है, कोई और ही कर रहा है, बिल्कुल उसी ढंग से, उसी मोडस ऑपरेंडी से जिस तरह से 12 साल पहले किए गए हैं, ये खून उसी बात का फायदा उठा रहा है जो भी है वो। सर, किसी इंस्पेक्टर विजय ने नितिन को गिरफ्तार किया था, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। हाँ, इस इंस्पेक्टर विजय से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आदिति के घर चलते हैं। सर, न तो घर का सामान बिखरा पड़ा है, ना ही कोई तोड़ फोड़ की गई। मतलब खूनी अदिति के जान पहचान वाला होगा। सर, अदिति घर में अकेली रहती थी, अगर उसके परिवार में कोई होता तो पता चल सकता था कि उसकी मौत की वजह कोई दुश्मनी तो नहीं है। कई बार खाली पड़ा घर भी बहुत कुछ बता देता है। अच्छी तरीके से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा।
सर। आर्य, ये देखिए, लगता है मौत से ठीक पहले अदिति कॉफी बना रही थी, अपने लिए और अपने उस खूनी मेहमान के लिए। सर लीजिए। सर टूटा हुआ वाज, सर ऐसा लग रहा है इस कमरे में हाथापाई हुई है। वाज संभाल के एविडेंस बैग में डाल लो, शायद फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। सर इसका मतलब जब अदिति वहाँ किचन में कॉफी बना रही थी तभी खूनी ने उस पर हमला किया, फिर यहाँ भाग के आई, यहाँ पे हाथापाई हुई और शायद उसी में वाज गिर गया, शायद यहीं पे खून हुआ है उसका। सर ये डिप्रेशन वाली दवाइयाँ मिली है जिनके बारे में सालूम के साहब ने हमें बताया था। डॉक्टर वीरेन? डॉक्टर वीरेन अदिति का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर वीरेन से मिलना पड़ेगा। जी कहिए। मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन, विजय जी से मिलना है। ओ आइए ना प्लीज प्लीज। पापा पापा क्या बात है बेटा समीर? पापा सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन आपसे मिलना चाहते हैं। सीआईडी वालों को रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय से क्या काम पड़ गया? सर क्या है कि 12 साल पुराने केस के बारे में आपसे पूछना है। कौन सा केस? वही 12 साल पुराना सीरियल किलर का केस जिसमें वो लड़कियों का खून करके उनकी लाश को स्केयर क्रो बना देता था। अच्छा वो केस? ये 12 साल पुराने केस की ओर अचानक कैसे ध्यान चला गया आप लोगों का? वो क्या है कि 12 साल के बाद ये खूनी फिर से जाग उठा है और इसने एक मासूम लड़की का खून कर दिया है, और जल्द से जल्द अगर इस किलर को नहीं पकड़ा गया तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जाने जा सकती है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही खतरनाक खूनी है वो। पिछले 12 सालों में तकरीबन 15 लड़कियों को मारा है उसने, और उनमें से एक तो मेरे बेटे समीर की मंगेतर खुशबू भी थी। तक नहीं भूल पाया मैं उसे। सुन के बहुत दुख हुआ। वैसे मैंने आपकी केस फाइल पढ़ी है, उसमें लिखा है कि आपने खूनी को पकड़ लिया है। नितिन नाम है ना उसका? हाँ नितिन नाम था उसका। असल में एक क्राइम साइट पे हमें खून का जो सैंपल मिला था उसका डीएनए नितिन से मैच हुआ था, जिसके बलबूते पर हमने नितिन को गिरफ्तार किया था। पर पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा जैसे नितिन असली कातिल नहीं है। अगर आप चाहें तो ये बात खुद जेल में चलकर नितिन से पूछ सकते हैं। ये नितिन कौन सी जेल में? बिंजलपुर जेल। बिंजलपुर जेल। ये कहिए आप डॉक्टर वीरेन ही हैं ना? जी हाँ मैं ही डॉक्टर वीरेन हूँ, और मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स खत्म हो चुके हैं। आपको कितने बजे का वक्त दिया था? आई एम सॉरी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से क्या बात है सर? आपकी एक पेशेंट थी अदिति, किसी ने बहुत बेरहमी से उसका खून कर दिया है। खून कर दिया? कब? 13 तारीख को। बहुत बुरा हुआ, अदिति बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसका इलाज भी काफी अच्छा चल रहा था। कब से आप इलाज कर रहे थे अदिति का? सर यही कोई 2 महीने से। आखिरी बार वो आपके पास कब आई थी? एक मिनट सर, 7 तारीख शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट था उसका। क्या प्रॉब्लम क्या थे अदिति को? माफ कीजिए सर, हम इलाज शुरू करने से पहले अपने मरीज से ये वादा करते हैं कि उनकी बताई हुई हर बात गुप्त रखी जाएगी, टोटली कॉन्फिडेंशियल। और इसी भरोसे और विश्वास के दम पर मरीज अपना हर दुख और दर्द हमें बता पाता है। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ डॉक्टर वीरेन, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो मर चुकी है, खून हुआ है उसका, और उसका खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है, और उस खूनी तक पहुँचने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ मैं समझ रहा हूँ। दरअसल जब से अदिति की शादी टूटी थी वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी। अदिति की शादी टूटने की वजह? उनके अपने पति से काफी झगड़े होते थे। किस बात को लेकर होते थे ये झगड़े? छोटी छोटी बातों को लेकर और सबसे ज्यादा पैसों को लेकर। उनके पति मयूर को ये लगता था कि अदिति हद से ज्यादा खर्च कर रही है, और इसी वजह से मयूर अक्सर अदिति को डांटा करता था, और इसी वजह से उनका तलाक हो गया। और कोई परेशानी? नहीं सर, अदिति का पति ही अदिति के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। अदिति आखिरी बार जब मुझसे मिलने आई थी तो काफी डरी हुई थी। डरी हुई थी? हाँ सर, वो कह रही थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कौन? कुछ बताया उसने? नहीं सर ये नहीं बताया। आई सी, कहीं अदिति के खून में उसके पति मयूर का तो हाथ नहीं? आइए। अरे विजय सर आप, बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। कहो कैसे कट रहे हैं रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? मत पूछो दोस्त, बहुत याद आते हैं ड्यूटी के दिन। खैर छोड़ो इन बातों को, इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर सचिन, सीआईडी से हैं। हेलो। एक केस के सिलसिले में हमसे कुछ पूछने आए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ आए।
किस केस के बारे में आप जानना चाहते हैं? उस सीरियल किलर के बारे में जो लड़कियों का खून करके उनकी लाश का स्केयरक्रो बना देता था। एक 12 साल पुराना केस, कुछ याद आया आपको? उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। आप नितिन के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी माफ कीजिएगा सर, उसकी तो पिछले महीने मौत हो गई। क्या? उसकी मौत हो गई? लेकिन कैसे? डेंगू से। मैंने उन्हें बताया कि असल में नितिन असली कातिल नहीं था, असली कातिल तो अभी भी कहीं आजाद घूम रहा है। मैं जानता हूँ, नितिन ने खुद मुझसे ये बात कही थी। उसने सिर्फ पहले खून में ही उस खूनी की मदद की थी। चिलर साहब, ऐसी बात थी तो फिर आपने पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की खूनी को? बहुत कोशिश की थी, मगर कोई सुराग ही हाथ नहीं लगा था। लेकिन खूनी के बारे में नितिन तो जानता था, आप लोग उससे पूछ सकते थे। कई बार पूछा था सर, मगर वो उस खूनी से बहुत डरता था, कि उसका नाम लेने से कांपता था। कमाल है, जेल में रहने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि वो सीरियल किलर का नाम लेने से भी कांपता था? शायद उसे ये चिंता थी कि वो खूनी उसके बेटे रवि को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। नितिन का बेटा रवि? ये रवि रहता कहाँ है? मयूर, हम अदिति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अदिति मेरी पत्नी है। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। तलाक दे दिया था ना तुमने उसे? जी हाँ, मैंने तलाक दे दिया था उसे। तो फिर खून क्यों किया? खून? अदिति का खून हो गया? हाँ, और हमें शक है कि उसका खून तुमने किया। ये बात सच है कि अदिति मेरी पत्नी थी। जब तलाक देकर हर मसले का हल निकल चुका था तो मैं उसका खून क्यों करूंगा? क्योंकि डिवोर्स के बाद अदिति ने हर्जाने के रूप में तुमसे 25 लाख रुपए मांगे थे, और वैसे भी तुम्हें अपनी पत्नी हमेशा से बहुत खर्चीली लगती थी। ये बात सच है कि अदिति जरूरत से ज्यादा खर्चा करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई पति अपनी पत्नी का खून कर दे। छोटी सी बात? 25 लाख रुपए छोटी बात लगते हैं? 25 रुपए के लिए लोग खून कर देते हैं, या तो 25 लाख की बात है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं अदिति से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तलाक के बाद भी उसे भुला नहीं पाया था। अगर तुम इतना प्यार करते थे अपनी पत्नी से तो फिर उसे तलाक क्यों दिया? क्योंकि उसने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं था। उसने शादी तो कर ली थी मुझसे, लेकिन शादी के बाद भी अदिति अपने अतीत में ही जी रही थी, और धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल गया कि शादी से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था। और सच बात तो यह है सर कि वो उसे भुला ही नहीं पाई थी। शादी के पहले का प्रेमी कौन है वो? मैंने उससे ये बात कई बार पूछी, लेकिन उसने हर बार कहा कि मैं बेवजह उस पर शक कर रहा हूँ, कहती थी कुछ नहीं है। 13 तारीख को कहाँ थे आप? मैं मैंगलोर गया था सर, शूटिंग के लिए, एड फिल्म की शूटिंग थी। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। जरूर, रेडी। पता लगाओ ये सच कह रहे हैं कि नहीं, शूटिंग कर रहे थे या फिर? सर मैंने पता कर लिया, मयूर वाकई मैंगलोर में शूटिंग कर रहा था, उसने अदिति को नहीं मारा है। अगर मयूर मैंगलोर में शूटिंग कर रहा था तो फिर वो अदिति का खून कर ही नहीं सकता, तो फिर कौन हो सकता है? बस आसानी, इस केस में मुझे ऐसी बात पता चली है जिससे आप खूनी के और ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। अच्छा बता। तो उस अदिति की लाश पर मुझे एक खास किस्म के पैरासाइट के अंडे मिले। पैरासाइट के अंडे? पैरासाइट से क्या होता है सर? सचिन, मेडिकल भाषा में इसे लंग फ्लूक या पैरागोनिमस वेस्टर्मनी कहते हैं। पैरागू? तुम रहने दो फ्रेडी, तेरे बस की बात नहीं है यार। कोई बात नहीं सालूंगे साहब, वैसे नाम में क्या रखा है? आप प्लीज इतना पता दीजिए कि इस पैरासाइट के अंडे की खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पैरासाइट हमारे देश में होता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये बॉस, ये एक जापानी पैरासाइट है। जापानीज पैरासाइट? हाँ बॉस, जापान के 80% मीठे पानी के केकड़ों में ये पैरासाइट मिलता है, और क्योंकि ये फ्रेश वाटर क्रैब जापान की एक डेलिकेसी है, लोग बहुत चाव से इसे खाते हैं, इसलिए जापानी लोगों के शरीर में ये पैरासाइट अपने आप पहुंच जाता है। सर, अदिति तो कभी हिंदुस्तान से बाहर गई नहीं, तो ये जापानी पैरासाइट इसके शरीर में आया कहाँ से? सचिन, अदिति नहीं गई होगी, और उसकी दोस्त सना, वो तो जापान गई है ना। मैं कंपनी के काम से एक महीने के लिए जापान गई हुई थी। सर कहीं इन सबके पीछे सना का हाथ तो नहीं? सना से मिलना पड़ेगा। अरे आप लोग यहाँ? बस आपका घर देखने चले आए सना। घर देखने चले आए? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ बस आपके घर की बनावट, सजावट, दीवारों का रंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह। आप ये सब यहाँ देखने आए? घर खरीदना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, बस देखना चाहते थे कि जब आप इस आलीशान घर को छोड़ के जेल जाएंगी तो आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? जेल क्यों जाऊंगी मैं? वो क्या है ना साना जी,
अगर खीर में चीनी डाल दो तो उसका मीठा होना तय है, उसी तरह अगर कोई मुजरिम खून करे तो उसका जेल जाना तय है। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, अदिति का खून तुमने किया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक महीने से जापान में थी कंपनी के काम से, पिछले हफ्ते ही लौटी हूँ। और जापान से लौटकर वहाँ से लाया हुआ इन्फेक्शन पैरागोनिमस वेस्टमनी तुमने अदिति तक पहुँचा दिया। आप मेरी जासूसी भी कर रहे हैं? सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सीआईडी ऑफिसर की पहली ड्यूटी कुछ भी करके मुजरिम तक पहुँचना। हाँ ये सच है, अदिति की मौत से पहले मैं उससे मिली थी, लेकिन यकीन मानिए मैंने उसको खून नहीं किया। देखो पहले भी झूठ बोल चुकी हो, दोबारा मत बोलो। तुम्हारे पास ठोस वजह थी अदिति का खून करने की। मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं थी। सर ये ऐसे नहीं बताएंगे, इनको वजह भी हमें ही बतानी होगी। ठीक है, ये तकलीफ भी हम ही उठा लेते हैं। तो फ्रेडी हुआ कुछ ऐसे, अदिति और सना एक ही कंपनी में काम करती थी, अदिति फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सना मार्केटिंग में। मार्केटिंग में सना काम क्या करती थी? एड्स वगैरह का बजट पास कराना, कंपनी के क्लाइंट्स की गिनती बढ़ाना, और इन सभी कामों के लिए जरूरत पड़ती है पैसों की, यानी कि मार्केटिंग बजट। और जानते हो मैडम ने मार्केटिंग बजट के साथ क्या किया? क्या किया? घपला। घपला? 6 महीने के अंदर पूरे 15 लाख का घपला। अरे बाप रे, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। ये क्या बकवास कह जा रहे हैं आप लोग, ये सब झूठ है। यही सच है, हमें अदिति के ऑफिस से तुम्हारी काली करतूतों का पूरा ब्यौरा मिला है। अदिति जानती थी तुम्हारी हेरा फेरी के बारे में, तुम्हें डर था कि अदिति सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देगी, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ ये सच है कि मैंने 15 लाख का घपला किया था, लेकिन मैंने अदिति का खून नहीं किया सर। तो जापान से लौटकर अदिति से मिलने क्यों गई थी, उसकी पूजा करने? उससे विनती करने गई थी कि वो बॉस को मेरी शिकायत ना करे। इस वक्त कौन आ सकता है? कौन है? आ रही हूँ, आ रही हूँ बाबा। सना तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अदिति मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? अदिति प्लीज किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी सालों की मेहनत और मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, और कोई कंपनी भी मुझे नौकरी नहीं देगी। प्लीज अदिति। ये सब तो तुम्हें अपने ईमान का सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था। ये ईमान और सच्चाई की बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं अदिति, अगर इस दौर में कुछ मायने रखता है तो वो है पैसा। मैं तो कहती हूँ इस काम में तुम भी मेरा साथ दो। कितने गिर सकती हो तुम? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अभी बॉस को फोन करती हूँ। ऐसा मत करो अदिति, प्लीज मेरी बात। ये क्या किया तुमने? माफ करना दीदी, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी बात पे गौर करना और बॉस को कुछ मत बताना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले तुमने गुनाह किया फिर अदिति को भी बहकाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना सर, एक गुनाह को छुपाने के लिए 100 गुनाह करने पड़ते हैं। मैं अदिति को अपने जैसा बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। 13 तारीख को जिस दिन अदिति का खून हुआ तुम कहाँ थी? मैं अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस में थी सर, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। 13 तारीख को आप ऑफिस के कॉन्फ्रेंस में थी या नहीं इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। जी कहिए, किससे मिलना आपको? हमें रवि से मिलना। जी हाँ मैं ही रवि हूँ, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आप लोगों की यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? हम लोग तुम्हारे पिता नितिन के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पापा के बारे में? क्या जानना चाहते हैं पापा के बारे में? एक निर्दोष आदमी को इतने साल जेल में रखने के बाद जी नहीं भरा आप लोगों का, तो चले आए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। देखो रवि, हम जानते हैं तुम्हारे पिता खूनी नहीं, लेकिन वो निर्दोष भी नहीं। एक हत्या में खूनी का साथ दिया था उन्होंने, पर खूनी का नाम जानते हुए भी उन्होंने खूनी का नाम किसी को नहीं बताया। कैसे बताते? उनको डर था कि वो मुझे और मेरी मम्मी को नुकसान ना पहुंचाते। तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही, कहाँ है? उनका देहांत हो गया 2 साल पहले। तुम्हारे पापा काम क्या करते थे? पापा BKC कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, अपने खाली समय में लैब में रहते थे और फॉर्मूलाज में उलझे रहते थे। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्प्रे और ड्रग्स नितिन से ही पहुंचे हो खूनी तक? बिल्कुल हो सकता है सचिन। अच्छा तुम्हारे पिता का लैब कहाँ पे था? मिलन नगर में। पापा ने वहाँ पर एक कमरा किराए पे लिया था, उसमें लैब बनाई थी,
लेकिन पापा के जेल जाने के बाद वो कमरा मकान मालिक ने किसी और को किराए पे दे दिया था। अच्छा रवि, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, 12 साल पुरानी बात याद करो। तुम्हें कोई अजीब सा आदमी याद है, शायद तुम्हारे पिता का दोस्त, जो तुम्हें लगे कि वो खूनी हो सकता है? हाँ, एक काने नाम का आदमी था। काने? हाँ जी, पापा एक बार उसको घर पे लेके आए थे। हाव भाव में वो थोड़ा अजीब सा था। और कुछ याद है तुम्हें? तुमने उसका चेहरा देखा था? दिखने में कैसा था? काफी दिन बीत चुके हैं, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पिता का कोई पुराना सामान वगैरह है घर पे? शायद उसके जरिए हम खूनी तक पहुंच सकें। ऊपर स्टोर रूम में पापा का सामान पड़ा है, आप देख सकते हैं। चलो दिखा। हाँ जी। आइए सर, पापा का सारा सामान यहीं पर ही है। शुक्रिया। सारा सामान अच्छे से चेक करो, देखो कुछ खास मिलता है कि। ये देखिए सर, ये खत है किसी काने के नाम पे। काने? शायद वही काने हो जिसके बारे में रवि ने बताया था। देखो क्या लिखा। काने, भले ही दुनिया तुम्हें पापी समझे, मगर मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेमी रहोगे। तुम बिन जिंदगी मानो वीरान हो गई है। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, और इंतजार नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी अदिति। अदिति? कहीं ये वही अदिति तो नहीं जिसका खून हुआ है? हो सकता है। कहीं अदिति इस खूनी को जानती तो नहीं थी? चिट्ठी से तो लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सर, अगर अदिति और काने एक दूसरे से प्यार करते थे तो काने अदिति का खून क्यों करेगा? रवि, क्या तुम्हारे पिता किसी अदिति को जानते थे? नहीं नहीं सर, किसी अदिति को तो नहीं जानते थे। तो फिर ये काने का खत नितिन तक कैसे पहुंचा? सचिन, काने और नितिन दोस्त है। हो सकता है काने ने नितिन का पता अदिति को दिया हो चिट्ठी भेजने के लिए। किस तौर भी उलझता जा रहा है। सना की कॉन्फ्रेंस का सीसीटीवी फुटेज देखकर लगता है ये खून सना ने नहीं किया है। लेकिन अगर ये खून सना ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये केस और भी उलझता जा रहा है। सर, कहीं अदिति का खून नितिन के दोस्त काने ने तो नहीं किया? हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय ने भी यही कहा था ना कि नितिन खून कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा जैसे नितिन असली कातिल नहीं है। मगर सर, अदिति ने काने को जो खत लिखा था उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो फिर काने अदिति का खून कैसे करेगा? शायद इसलिए फ्रेडी कि अदिति ने काने के बदले शादी की मयूर के साथ, इसलिए। सर, अगर ऐसा है तो वो ये काम उसी वक्त करता, उसे इतने साल तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है ना किसी वजह से इतने सालों बाद इस काने का दिमाग घूम गया और उसने खून कर दिया अदिति का। ये देखिए सर, इस सीरियल किलर के बारे में छपी एक रिपोर्ट, 12 साल पुरानी। 17 जून 2001, स्केयरक्रो किलर ने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। मरने वाली लड़की 24 साल की थी, MBA की पढ़ाई कर रही थी। उसका नाम नम्रता था। उसके छोटे भाई वीरेन ने उसे बचाने की नाकामयाब कोशिश की और इस हादसे में वीरेन की टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई, मगर बेचारी नम्रता मारी गई। माय गॉड, ये वीरेन है? ये वीरेन तो आदित्य का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वीरेन है। ये डॉक्टर वीरेन? जी हाँ, मैं डॉक्टर वीरेन हूँ। 12 साल पहले जिस नम्रता का खून हुआ उसका भाई वीरेन, आज का आदिति का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वीरेन। तो अब आई बात समझ में, डॉक्टर वीरेन अपनी बहन की मौत का बदला ले रहा है, अपनी बहन के खून का बदला। जब आदिति उसके पास इलाज के लिए आ रही थी तब डॉक्टर वीरेन को पता चला कि आदिति प्यार करती है उस काने से, उस सीरियल किलर से जिसने नम्रता का खून किया था। बदला लेने के लिए उसने आदिति को भी वही दर्दनाक मौत दी जो उसकी बहन नम्रता को काने ने दी थी। डॉक्टर वीरेन? मगर सर, वीरेन तो एक डॉक्टर है, एक साइकियाट्रिस्ट है। ये खून वीरेन ने किया है? हाँ सचिन, आदिति का खून डॉक्टर वीरेन ने ही किया है। उठाओ इस वीरेन को। Thank you.
कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले, इसीलिए छुप गया हो? छुप के जाएगा कहाँ, दरवाजा खोलो, हम लोग अंदर देखते हैं, तुम बाहर नजर रखना। ओके सर। सर, अरजत यहां। सर अरजत, माय गॉड, मैं वापस आ गया। जरूर ये वीरेन नहीं लिखा होगा। हो सकता है सर, पर हमें दिखाने के लिए लिखा है। सर जल्दी आइए। ये देखिए सर, डॉक्टर वीरेन। डॉक्टर वीरेन, वो खूनी काने हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। और हमें चैलेंज भी किया, अंदर दीवार पर लिख दिया मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक। जाएगा कहाँ? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उसे पता कैसे चला कि डॉक्टर वीरेन ने अदिति का खून किया है? इंस्पेक्टर विजय, नितिन के साथ जेल में ये जो कैदी था अविनाश, दोनों की अच्छी दोस्ती थी क्या? हाँ, नितिन वैसे तो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, पर अविनाश को अपने दुख दर्द जरूर बताता था। तो फिर असली स्कैरको के बारे में उसने अविनाश को जरूर बताया होगा। जी हाँ, ये हो सकता है। हेलो, कहाँ? ठीक है सर, उस खबरी रघु का फोन था, कह रहा था अविनाश आजकल शहर के मंडोबा इलाके में रह रहा है। मंडोबा इलाका? जी सर। अगर अविनाश पकड़ा जाएगा तो उससे हमें जानकारी मिल जाएगी, तो असली शहर को हमारे हाथ लग जाएगा। श्रेय, काम करो, एसीपी साहब को इन्फॉर्म करो कि हम इंस्पेक्टर विजय के साथ इस मंडोबा इलाके में जा रहे हैं। जी सर। सर, स्कैरक्रो काने तक हमें सिर्फ दो लोग पहुंचा सकते थे, नितिन और अदिति, पर दोनों मर चुके हैं सर। हाँ सर, न जाने ये खूनी कब पकड़ा जाएगा, 12 साल से आजाद घूम रहा है। 12 साल? पकड़ा जाएगा वो सचिन, जरूर पकड़ा जाएगा, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। फ्रेडी, वीरेन के घर से जो पेपर मिले उनसे क्या मिला? सर, इस वीरेन ने अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी उस खूनी के बारे में, उसके एक एक जुर्म का आर्टिकल वगैरह संभाल के रखा था। शायद काफी समय से इंतजार कर रहा था वीरेन उससे बदला लेने का। और अदिति की इलाज के पेपर्स? हाँ सर, आंखों के ऑपरेशन के बाद अदिति ने जब काने को देखा तो उसने उसका हुलिया भी बताया था वीरेन को। सावला सा रंग, घने बाल, कद 5 फीट 10 इंच। उसने ये भी बताया था कि जब वो देख नहीं सकती थी तब उसका अंधापन दोनों के पैर के बीच दीवार नहीं बन पाया, क्योंकि काने खुद कलर ब्लाइंड था। क्या कहा? कलर ब्लाइंड? काने कलर ब्लाइंड है? हाँ सर, कलर ब्लाइंड। कद 5 फुट 10 इंच, सांवला रंग, घने बाल और कलर ब्लाइंड, ये तो विजय है। माफ कीजिएगा मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, इसलिए आइए। वही इंस्पेक्टर विजय जिसने नितिन को गिरफ्तार किया था? हाँ पंकज, वही इंस्पेक्टर विजय, उसी पर जिम्मा था उसे पकड़ने का, इसीलिए तो हाथ नहीं लग रहा है ये स्केयरक्रो किलर। हाँ सर, और इसीलिए वो हमारी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया, ताकि अदिति के खूनी तक पहुंच सके और वीरेन को मार सके। एग्जैक्टली सर, दया सर और श्रेया की जान खतरे में, वो दोनों भी तो इंस्पेक्टर विजय के साथ में। माय गॉड, फोन करो जल्दी दोनों को। सर, दया सर का फोन नहीं लग रहा है और श्रेया का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मंडोबा इलाका वहीं गए ना, मंडोबा इलाका चलते हैं। श्रेया, तुम ठीक हो? सर, हम यहाँ इस हालत में? लगता है जब हम लोग यहाँ इस घर में घुसे तब किसी ने हम पे हमला किया होगा। सर, कहीं ये काम उस काने का तो नहीं? काने? हाँ, हो सकता है।
सर, आपकी गर्दन पे स्टन गन का निशान। स्टन गन? निशान तो तुम्हारे गर्दन पे भी है। इसका मतलब है उसने स्टन गन से उसने हमें बेहोश किया। इंस्पेक्टर विजय का कहीं काने ने उनके साथ कुछ ना कर दिया हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। दो दो सीआईडी ऑफिसर्स की खातिरदारी करने का मौका मिला है इस नाचीज को, तो कैसे लग रही है मेरी ये मेहमान नवाजी? तूने अभी तक सीआईडी की मेहमान नवाजी नहीं देखी, एक बार मुझसे खातिरदारी करवा ले, फिर अगले कई जन्म तक तो चुन करने की सोचेगा भी नहीं। दया 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 दया, तुम्हारे इसी अदा का तो मैं फैन हूँ दया, मरने से पहले अपना एक ऑटोग्राफ तो जरूर देकर जाना। तुम जैसा मच्छर दया सर को मारेगा, हिम्मत है तो अपना मास्क उतार और अपना असली चेहरा दिखा। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, एक आदमी को मारने में जो मजा ना, उससे कई ज्यादा मजा एक लड़की को मारने में है। मरने से मैं डरती नहीं हूँ, समझा? अगर तूने श्रेया को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरा क्या हल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। इधर छोड़ से। ए दया, चुप 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 दया चुप। श्रेया और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है दया, श्रेया तुम जानती है ना, तुम्हारी दोस्त कीर्ति, उसको क्या अंजाम किया था मैंने। सब याद है मुझे, और आज कीर्ति की मौत का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे। तू नहीं मार सकती मुझे, नहीं मार सकती। मैं मार दूंगा तुझे, उस वक्त तो तू बच गई थी लेकिन अब नहीं बचेगी। हिम्मत है तो मुझसे बात कर या इधर। दया दया, जब मैं अपने जुर्म को अंजाम देता हूँ ना, तब मुझे किसी का शोर मचाना चिल्लाना पसंद नहीं है। सॉरी दया, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देर के लिए शांत करना पड़ेगा। क्या किया तूने? घबराओ मत, दया मरेगा नहीं, सिर्फ डरेगा। जो लोग जरूरत से ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करते ना, उनके लिए सिर्फ ये एक ही इलाज है, उनको इतना डराओ कि अपने कायरता के बोझ तले मर जाए। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? सर, अभिजीत, ऐसे भी सर, देखा तुमने, डर के मारे एसीपी अभिजीत को याद कर रहा है। तुम्हें भी लग रहा है? मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सही रही गाड़ी। सर, डिक्की में कोई है? डिक्की में कौन? इंस्पेक्टर विजय। सर, हमें तो लगा था कि यही खूनी है, पर अब असली खूनी कौन है? इंस्पेक्टर विजय, विजय, इंस्पेक्टर विजय, विजय जी। अभिजीत कैसे भाई साहब? और दया श्रेया कहाँ है? वो दोनों, उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। वो स्केयरक्रो। स्केयरक्रो किधर किधर है? बोलो। शायद इस तरफ। क्या इस तरफ? पंकज, इन्हें संभालो, हम लोग देखते हैं। बैंग! श्रेया 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 श्रेया, मैं आदमी बुरा नहीं हूँ, बस थोड़ा से नरम दिल का हूँ, मुझसे किसी की बुराई देखी नहीं जाती। दया को देख के तुम्हें जो दुख हो रहा ना, उसके ऊपर भी मेरे पास एक इलाज है। जानती हो क्या, तुम्हें भी उसी हालत में पहुंचा दूंगा जिस हालत में दया को पहुंचा। बस बहुत हो गया तुम्हारा मौत का तांडव, अब तेरा कानून के इशारों पे नाचने का टाइम आ गया है। कानून?
मैं कानून के इशारों पे नहीं नाचता, कानून मेरे इशारों पे नाचता है। देखते पहलवान दोस्त की क्या हालत कर दी है मैंने। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी अभी जी खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो श्रेया की जान ले लूंगा। नहीं देखो छोड़ दो उसे, अगर श्रेया का बाल भी बाका हुआ तो तेरा वो हाल होगा कि तो सोच भी नहीं सकता। चुनौती? मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे चुनौती पसंद नहीं है। सॉरी श्रेया, मुझे चुनौती पसंद नहीं है, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। बाय बाय। ठीक तो ना? देखो श्रेया, मुखौटा निकालने का टाइम आ गया है। समीर, इंस्पेक्टर विजय का बेटा। अब तक बुला नहीं पाया मैं उसे। तो ये है असली सीरियल किलर, कलर ब्लाइंड काने। मैं ही हूँ वो सीरियल किलर जिसका आज तक आपका कानून कुछ नहीं कर पाया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी मैंने कि मैंने ही इतने सारे खून किए, अपने पापा तक को नहीं। अपने पिता के इन्वेस्टिगेशन का फायदा उठाते रहे तुम, क्योंकि तुम्हें पहले से पता चल जाता पुलिस का अगला कदम क्या होगा। हाँ बराबर, ये सब मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मुझे नफरत थी पापा के पुलिस के नौकरी से। सोते बैठते उठते जागते हर वक्त बस ड्यूटी 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 बस। उन्होंने कभी भी मेरी माँ को ना ही मुझे वक्त दिया, कभी नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस पिता पे तुम्हें गर्व होना चाहिए उसकी ड्यूटी से तुम्हें परेशानी होती है। अरे तुम क्या जानो देश के लिए कुछ कर गुजरने का नशा क्या होता है? कभी ये सोचा है तुमने कि जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि उनका बेटा खूनी है, उनका सर झुक जाएगा शर्म से। अरे उनकी गर्दन झुकती ना तो झुकने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उनका पुलिस होने का फर्ज निभाया ना, लेकिन एक पापा होने का फर्ज कभी नहीं निभाया उन्होंने, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। तुमने अपनी मंगेतर खुशबू को क्यों मार डाला? क्योंकि मैं आदिति से प्यार करता था, खुशबू से मजबूरन मेरी सगाई हो गई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसका काम तबाह कर दिया। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। देश छोड़कर क्यों चले गए थे तुम? इस देश में मेरे लिए रखा ही क्या था? आदित्य की मयूर से शादी हो गई, उसकी सुखी जीवन में मैं आग लगा ले नहीं चाहता था, इसलिए मैं चला गया। लेकिन जब मुझे पता लगा उसका डिवोर्स हो गया ना, तब मैं फिर से आ गया। और 12 साल बाद फिर से उसी खूनी रूप में आ गए, जब तुम्हें पता चला कि वीरेन ने आदित्य को मार डाला है। हाँ, मेरी आदित्य मर गई, उसका खून हो गया। तुम्हारी अदिति? और जिन लड़कियों को तुमने मारा उनका क्या? वो भी किसी की बहन बेटी पत्नी थी, उनके परिवार वालों पे क्या गुजरेगी कभी सोचा तुमने? नहीं, मुझे किसी के सुख दुख से कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए थी, सिर्फ अपनी बस, और किसी की नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला ना पापा से आप लोग अविनाश से मिलने जा रहे, तब मुझे मेरी आजादी का खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने पापा को बेहोश कर दिया और अविनाश को भी मार दिया और उसकी लाश को ऊपर वाले रूम में डाल दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को समाज में रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें तो सिर्फ फांसी होनी चाहिए, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।